हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है तो आज हम सीखेंगे ओम नमः शिवाय की धुन, जो कि कॉपीराइट और लाइसेंस बाय टी सीरीज है। तो हम इससे पहले नोट कर लेते हैं, ये आप व्हाइट बोर्ड पर चेक कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसमें पहले लिखा हुआ है नी ग के ऊपर में कर्व है, इसका मतलब उसको हमको नी से ग तक लेके जाना है डायरेक्ट। उसके बाद में इसमें ऐसा कुछ खास कठिन नहीं है और बहुत ही सरल धुन है जिसे हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें नीचे की लाइन में देखिए, सबसे नीचे की लाइन में एक जगह वो नी ध ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमको कर्ण स्वर यूज़ करना है। बाकी ये ट्यून बहुत ही ईजी है, इसे हम बहुत ही आसानी से जल्दी से सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं हम इसे सीखना। तो दोस्तों, मेरे पास में ये जो फ्लूट है, जो आप ये फ्लूट देख रहे हैं, ये मेरे पास में डी शार्प स्केल की फ्लूट है। तो ये डी शार्प स्केल की फ्लूट पर ही बजेगी ऐसा नहीं है, इसे हम किसी भी फ्लूट पर बजा सकते हैं। जो भी फ्लूट आपके पास में अवेलेबल हो उस पर आप इसे बजा सकते हैं दोस्तों। तो आइए पहले हम इसे सुन लेते हैं एक बार, फिर उसे सीखना शुरू करते हैं। तो आपने दोस्तों ये ट्यून इस व्हाइट बोर्ड से नोट कर लिया होगा, तो हम इसे अब सीखना शुरू करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं कि किस तरह से बजती है। तो लीजिए, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। पहली लाइन है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसमें जो लिखा है नी ग, तो हमको इससे पहले नी से ग तक लाना है। ऐसा लाना है कि हमको बाकी बीच के स्वर सुनाई नहीं देने चाहिए, इसको मींड बोलते हैं दोस्तों। देखिए, नी ग ग ग ग, गरे, उस गरे को हमको ऐसे बजाना है, ऐसे नहीं बजाना, कैसे, ऐसे नहीं बजाना, एक ही सांस में ऐसे धीरे से रखना है इसको। उसी तरह से रे नी जो है उसको भी हमको ऐसे रे नी नहीं बजाना है, उसको धीरे से बजाना है, रे से नी तक स्वर लाना है हमको, ठीक है। तो इस ढंग से बजेगा, उसके बाद में सेकंड लाइन हर हर बोले नमः शिवाय। फिर इसमें ये सब लोअर है स्वर के, यहां के स्वर लोअर है, नी ध रे नी। नीधा को भी हमको स्वर जोड़ने हैं, अलग अलग स्वर नहीं बजाने हैं, सॉरी, फिर से नीधा। उसके बाद में दोस्तों फ्लूट का इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, वो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऐसा बजेगा, उसमें आप गमक भी बजा सकते हैं धीरे धीरे।
बजाएंगे आप उसको पहले जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसको लेसन जैसे बजाइए, लेसन जैसे बजाएंगे तो आपको जल्दी आएगा। फिर कैसे बजाएंगे? अब जिन दोस्तों को प और ग बजाने में तकलीफ होती है तो उन दोस्तों ने जो ध प है उसको दो बार बजाइए और प ग छोड़ दीजिए तो भी ये हमारा बजेगा। वो कैसे बजेगा? तो प ग यदि आपको बजाते नहीं आता है प और ग तो आप ध प दो बार बजा सकते हैं तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। इस ढंग से आएगा। उसके बाद में जटाधराय शिव जटाधराय वो ऐसा बजे ना। फिर से एक बार गरे गरे गा। गरे कैसे बजेगा? अलग अलग नहीं बजेगा, एक साथ बजेगा। ऐसे नहीं बजेगा, वो बजेगा आप लंबा कीजिए। अब ये जो निध लिखा है यहां पर, ये जो निध लिखा है कर्ण स्वर बोलेंगे इसको। कर्ण स्वर कैसे लगाएंगे? ध नोट बजाना है हमको, ध और नी को टच करना, ऐसे बजाएंगे। तो ये ऐसे बजेगा। उसके बाद में यहां से कनेक्ट करना फिर से पहली लाइन को ऊपर से। आसानी से आप बहुत ही कम समय में इसे बजा सकेंगे। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस ट्यून को बजाइए और खुश रहिए। नमस्कार।